हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपका आधार कार्ड आप बनवाते हैं और रिजेक्ट हो जाता है। जब रिजेक्ट होता है तो कुछ ना कुछ हमें मैसेज मिलता है। इसमें कई प्रकार से कई अलग अलग मैसेज हमें देखने को मिल जाता है, कभी मैनुअल डुप्लीकेट में, कभी बायोमेट्रिक इशू में, कभी डाटा प्रोसेस में, कभी टेक्निकल रीजन में, यानी कि करीब 10 तरीके से रिजेक्ट होता है और अलग अलग मैसेज आता है। तो इन सभी मैसेज का क्या मतलब होता है, आपको कौन सा मैसेज मिला है जब आपने आधार बनवाया, उस मैसेज के बारे में भी समझेंगे। यानी कि ये जो 10 मैसेज हमें मिलता है रिजेक्शन के बाद, उन सब का मतलब क्या होता है और हमें आगे क्या करना होता है और फिर हमारा आधार कैसे बन पाता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में पूरा यही डिस्कस करेंगे। ऐसे आधार हैं जो अभी मैं आपको स्क्रीन पर चेक करके दिखाऊंगा, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हम इस चैनल के साथ साथ हमने एक और चैनल स्टार्ट किया है टेक्निकल के लिए, जिसमें यूट्यूब का वीडियो कैसे बनाएं और बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमने एक चैनल का नाम रखा है टेक सपोर्ट। और टेक सपोर्ट नाम से ही हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, आपको वहां से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ में हमारे जो कैमरामैन है, उनका इंस्टाग्राम आईडी भी है उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उसको भी फॉलो करें। और आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो उस इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके उनके थ्रू हमसे आप बात भी कर सकते हैं। तो गाइज, आइए स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि कैसे हमें आधार को चेक करना है और हमें मैसेज कहाँ पे और कैसे मिलता है। तो सीधे देख लेते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन को। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी हम आधार बनवाते हैं तो हमें एक स्लिप मिल जाता है वहां से, इस प्रकार का, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अभी मैं इसे मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। गाइज, इस स्लिप को हमें चेक कैसे करना होता है जब ये रिजेक्ट होता है, तो यहाँ पे हम आपको सिंपली बता दें कि आप अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, कहीं पे भी गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और फिर आप UIDAI के वेबसाइट पे आ जाइए। जैसे यहाँ पे हम आ गए हैं, ये पहले से खुला हुआ था। अगर मैं इसे बंद भी कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें UIDAI.gov.in वाले वेबसाइट पे आप आएंगे, माई आधार ऑप्शन पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आपको चेक आधार स्टेटस, अपने आधार का स्टेटस आपको जानना है। गाइज, यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा, फिर यहाँ से चेक इनरोलमेंट स्टेटस करेंगे। यहाँ पे गाइज आपको 28 डिजिट का आपको अपना EID नंबर, यानी कि इनरोलमेंट आईडी नंबर डालना होता है। ये इनरोलमेंट आईडी नंबर क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मैं इसे अभी यहाँ पे मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम आपको इस रसीद में समझाना चाहते हैं, यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने बना लिया है। आप देखिए, जब हम नामांकन कराते हैं यानी इनरोलमेंट कराते हैं तो हमें 14 डिजिट का एक नामांकन संख्या मिल जाता है। यहाँ पे कुछ दूसरा था, मैंने इसे एडिट करके इस तरह से कर दिया है क्योंकि वो एक सेपरेट नंबर होता है सबका, उसे शो नहीं किया जा सकता है। मैं इसे एग्जाम्पल के लिए बनाया हूँ। तो यहाँ पे जो पहला डिजिट होता है 4 डिजिट, फिर ये 5 डिजिट, फिर ये 5 डिजिट, यानी कि ये 14 डिजिट का आपका EID नंबर होता है। साथ में डेट और टाइम मिलाकर के ये भी 14 डिजिट हो जाता है, ये दोनों मिलाकर के 28 डिजिट हो जाते हैं। इसे डालना कैसे होता है गाइज, उसका एग्जाम्पल यहाँ मैंने बना दिया है। पहले आपको ये 14 डिजिट डालना है इनरोलमेंट नंबर आपको, उसके बाद में आपको डेट टाइम ये डालना है। लेकिन गाइस, डेट डालने में आपको सबसे पहले जब डेट डालेंगे ये लिखने के बाद, जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं 125 जो यहाँ लिखा गया, उसके बाद 2021 यानी कि सन सबसे पहले डालेंगे, उसके बाद 09, फिर यहाँ का मंथ लेकर के आके यहाँ डालेंगे, फिर 02 यानी कि डेट, पहले आपको ईयर, फिर आपको मंथ, फिर आपको डेट डालना है जब आपका इनरोलमेंट आईडी आपको अपना चेक करना हो तो। फिर उसके बाद में आपको जो डेट के बाद टाइम जो डालना है, टाइम आपको सिस्टमेटिक जैसे लिखा है वैसे डाल देना। जैसे यहाँ पे 134516, तो यहाँ पे भी लिखा है 134516, आप यहाँ से एग्जांपल मिला सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको अपना EID नंबर निकालना होता है 28 डिजिट का। तो आप शायद समझ गए होंगे कि EID नंबर क्या होता है, 14 डिजिट डेट एंड टाइम, 14 डिजिट हमारा इनरोलमेंट नंबर। तो गाइज, इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ रिजेक्टेड इनरोलमेंट आईडी को बना लिया है एक्सेल सीट में। हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं जिनमें अलग अलग रीजन से ये सारे रिजेक्ट हुए हैं, इनका क्या सोल्यूशन है, इनमें से आपका कौन सा मैटर है, अभी आपको मिल जाएगा जब आप वीडियो को कंटिन्यू करके देखेंगे। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करके ना देखें, कंटिन्यू देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन से प्रॉब्लम में, कौन से रिजेक्शन में क्या हमें करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ये पहला वाला। तो गाइज, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद आपको इसी पोर्टल पे आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप इसे पेस्ट करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ से कैप्चा कोड डालना है
वो भी आपको देख के डालना है कि कैप्स और स्मॉल का जो चक्कर होता है इसमें वो मिला करके आपको डालना है। अगर ये गलत होगा तो नहीं बताएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे सबमिट करेंगे फिर यहाँ जो मैसेज आ गया है, योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू मिस मैच ऑफ डिटेल। गाइस इसका मतलब है जब आपने आधार बनवाया था या आपने आधार अपडेट करवाया था तो उस दौरान जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया था स्कैन करने के लिए ऑथराइज्ड सेंटर पर, उसमें जो स्पेलिंग वगैरह आपका था, वो जो आपके कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया गया, जो स्लिप आपको मिला, उन दोनों में स्पेलिंग का मिसमैच हो गया या उसमें जो अलग अलग नाम थे वो नाम मैच नहीं कर रहे थे। जैसे मेरा नाम सर्वेश पांडे है, मैंने कोई डॉक्यूमेंट मैं लेकर के गया और मैं ऑपरेटर से बोल रहा हूँ सर्वेश पांडे कर दो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ उसमें केवल सर्वेश लिखा हुआ है, तो भी ये डॉक्यूमेंट मिसमैच के केस में चला जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक होगा, स्पेलिंग मिसमैच होगा तो भी नहीं हो पाएगा, या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होगा तो भी नहीं अपडेट हो पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो गाइज इस केस में हमको क्या काम करना है, दोबारा से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेना है और जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में डिटेल है उसी को लेकर के किसी ऑथराइज्ड एनरोलमेंट सेंटर पर जाना है। हमें अपना आधार कार्ड का एनरोलमेंट करवाना है या अपडेशन करवाना है, जो आपको कराना है करा सकते हैं। दोबारा से जब आप चेक करेंगे तो आपका आधार जनरेट हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं दूसरे केस में क्या होता है। गाइज अब दूसरे केस को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसमें क्या करना होता है और इसको भी ला करके यहीं पर पेस्ट करते हैं और फिर यहां से कैप्चा डालते हैं। और गाइज इसको कैप्चा डालने के बाद सबमिट करते हैं। गाइज इसमें जो रिजल्ट आ रहा है ये देखने को मिल रहा है हमें, योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन। गाइज सिंपल इसका मतलब है कि टेक्निकली आपका आधार का पैकेट जो आपने बनवाया था वो टेक्निकली रिजेक्ट हो गया है। इस केस में कई रीजन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी सर्वर में अपडेशन होता है, उस दौरान आपने एनरोलमेंट या अपडेशन करवाया तो आपका जो है डेटा रिजेक्ट हो गया, या जिस ऑपरेटर के पास आपने अपडेट करवाया उनकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गया, डेटा उनका अपलोड नहीं हो पाया, तो ऐसे कारण से भी ये टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट हो जाता है। यानी सिंपल साधारण भाषा में हम समझे तो ये कह सकते हैं जिस कंप्यूटर पे आपने एनरोलमेंट करवाया वहां से डेटा सर्वर तक पहुंच ही नहीं पाया, या सर्वर तक पहुंच गया और सर्वर में जाके कहीं पे एरर हो गया और आपका आधार अपडेट नहीं हो पाया या आपका आधार नहीं बन पाया, तो इस दौरान भी टेक्निकल रीजन का मैसेज हमें मिल जाता है। इस केस में गाइज जो आपका फीस लगता है ₹50 जो डिडक्ट होता है आधार अपडेशन करवाने के लिए, या बायोमेट्रिक आप करवा रहे हैं ₹100 जो आपका फीस कट जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का ये रिफंडेबल नहीं होता है। आपको दोबारा से फीस पे करके और दोबारा अपना आधार कार्ड इनरोल करवाना होगा और ऑथराइज सेंटर पे कराना होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसके साथ आप करवा सकते हैं। ये इसमें डॉक्यूमेंट की कमी नहीं थी, ये टेक्निकल रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो गाइज दूसरे केस में ये मैटर था, अगर आपका इस तरह से रिजेक्ट हुआ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपका फीस नुकसान हुआ है जो आपने एक बार पे कर दिया था, दोबारा से जाकर के आप करवा सकते हैं और आपका आधार बन जाएगा या जनरेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे केस में और नेक्स्ट क्या केस हो सकता है, तो इसको लेते हैं और फिर इस डेटा को भी हम आकर के यहाँ पे चेक करते हैं। अगर आपका ये वाला मैटर है तो इस तरह से कर सकते हैं और इसे सबमिट करेंगे। गाइज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, योर अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड बिकॉज यू हैव क्रॉस द अलाउड लिमिट फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेट, फॉर रिजोल्यूशन प्लीज कॉल आर डायल 91947। गाइज सिंपल इसका मतलब ये है कि आप ऐसा अपडेशन करवा रहे हैं अपने आधार में जो कि पॉसिबल नहीं है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ UIDAI सिर्फ एक बार परमिट करते हैं आपको अपडेट करवाने के लिए, आप उसे दोबारा अपडेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप अलाउड लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं UIDAI की तरफ से डेट ऑफ बर्थ के लिए, और जेंडर के लिए केवल एक बार मौका दिया जाता है। अगर आपका गलत है तो आप उसे सुधार सकते हैं, अगर आप उसे बार बार सुधारना चाहते हैं तो बार बार सुधारने का मौका आपको नहीं दिया जाता है। लेकिन कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऑपरेटर से ही गलती हो गया, आप सुधरवा रहे थे कुछ और हो गया कुछ और वो अप्रूव भी हो गया, तो इसके लिए एक नया प्राविधान आ गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है और किसी आधार सेंटर पर आपको जाना है और दोनों को साथ में अटैच करवा करके और अपडेट करवा देना है। इसके लिए मेरा फुल कंप्लीट एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। अगर आप इस प्रॉब्लम से आपको आपका आधार रिजेक्ट हो रहा है, अलाउड लिमिट क्रॉस हो गया है, तो वो वीडियो देख करके आप उसका सोल्यूशन भी करवा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बार बार आप अपना डेट ऑफ बर्थ ना बदलवाएं, एक बार अगर आपका अलाउड लिमिट क्रॉस हो गया है तो एक बार मौका है, आप दोबारा से उसे सही करवा सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म और
ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके, साथ में जब आपका अपडेट हो जाए तो स्लिप को जो वहाँ से आधार ऑपरेटर आपको स्लिप देते हैं, यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको मिलता है, रसीद मिलता है वो, और डिक्लेरेशन फॉर्म और साथ में बर्थ सर्टिफिकेट, इन तीनों का एक पीडीएफ बना करके यूआईडीआई को मेल भी करना होता है। इसका पूरा कंप्लीट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप भी इसके बारे में जान सकते हैं। तो गाइज ये एक बड़ा मिस्टेक है, नेम के लिए आपको दो बार मौका मिलता है चेंज करने के लिए, उससे अधिक बार आप नेम बार बार जाएंगे चेंज कराएंगे तो उसका भी लिमिट क्रॉस हो जाएगा। जेंडर के लिए एक बार, डेट ऑफ बर्थ के लिए एक बार, तो एड्रेस चेंज करने के लिए आप कई बार चेंज कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप एड्रेस चाहें आप बदल सकते हैं, उसका कोई अलाउड लिमिट नहीं है। तो गाइस लिमिट के क्रॉस केस में आपको ये करना होगा कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ इसे अपडेट कराना होगा, और आपका ये थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने अपडेट कराया दो तीन दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा, इसमें आपका महीनों भी लग सकता है, दो महीने भी लग सकते हैं। आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा, मेल करना होगा, हो सकता है आपका अपडेट हो जाए जल्दी ही। तो गाइस ये था जो लिमिट क्रॉस हो जाता है जिनका, उन उसमें इस केस में रिजेक्शन होता है। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट दूसरा मैटर फिर से मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं इसे ला करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको भी हम चेक करते हैं इसमें क्या केस आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो यहाँ सिंपल लिख कर क्या रहा है, दिस इनरोलमेंट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू बायोमेट्रिक इशू। गाइस ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, आदमी बार बार अगर आप इस प्रॉब्लम से आपको अगर इस प्रकार का रिजेक्शन का मैसेज आता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि गाइस जब भी आपका आधार ये कह करके रिजेक्ट हो रहा है दिस इनरोलमेंट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू बायोमेट्रिक इशू, यानी एक बड़ा मिस्टेक है। आपका आधार हो सकता है सस्पेंड भी हो गया हो और आप पहले ही आपका आधार बन चुका है, ये गारंटी है इस केस में, क्योंकि आप जब भी आधार बनवाने जाते हो किसी नए नाम से तो आपका बायोमेट्रिक इशू बता रहा है, यानी पहले से आपका एक आधार बना हुआ है और उसके साथ ये मैच कर रहा है, लेकिन 100% मैच नहीं हो पा रहा है। अगर 100% मैच हो जाता तो आपका मैनुअल डुप्लीकेट केस में चला जाता, यानी कि आपको सर्वर या यूआईडीआई की तरफ से ये रिजेक्शन का मैसेज आने लगता कि भैया आपका आधार पहले से बना हुआ है, जो फिंगर और जो आरिस आप हमें दे रहे हो ना उसका मेरे पास पहले से ही आधार नंबर है, हमें डुप्लीकेट आधार आपका प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो आपका बायोमेट्रिक इशू हो रहा है उसका सिंपल मतलब है कि आप जब भी आधार अपना जो है बनवाने जाते हो और ये बोलकर रिजेक्ट हो जाता है बायोमेट्रिक इशू, यानी कि आपका पहले से आधार बना हुआ था और दोबारा आप बनवा रहे हो तो उसके साथ अटैच हो रहा है, लेकिन डेटा पूरा मैच नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यूआईडीआई ये भी नहीं कहते कि आप ही का आधार हो सकता है या आपका नहीं हो सकता है, तो बायोमेट्रिक में ये बार बार रिजेक्ट होता रहेगा बायोमेट्रिक इशू में। तो इस केस में गाइस आपको यूआईडीआई के रीजनल ऑफिस भी विजिट करना पड़ सकता है और उसके बाद आपको वहां से आपका पुराना आधार नंबर मिल सकता है और फिर उस पे आप अपना नया बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा समस्या है आपको इसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा डिटेल है, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट कर लेंगे, थोड़ी बहुत हम आपकी हेल्प कर पाएंगे कि आपको रीजनल ऑफिस जाके कैसे आपको प्रोसेस करना होगा। तो गाइज अगर आपका बायोमेट्रिक इशू में रिजेक्ट होता है, यानी आपका आधार पहले से बना हुआ है और आपको पुराने आधार को ही किसी तरीके से निकलवाना है, चूंकि नया आधार बन नहीं सकता है दोबारा, क्योंकि हमारा फिंगर और आयरिस सारा कुछ पहले से ही अटैच हो चुका होता है और इसी कारण से बायोमेट्रिक इशू में हमारा रिजेक्ट होता रहता है। ये आप चाहे 100 बार अपना आधार बनवा लीजिए, बायोमेट्रिक इशू में ही ये रिजेक्शन होता रहेगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो रिजेक्शन का रीजन है उसमें क्या होना है। तो दूसरा मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और फिर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ गाइस और ये करेंगे। तो गाइज यहाँ पे क्या एरर मैसेज आ गया है, वी हैव फाउंड मैचिंग डुप्लीकेट। जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बायोमेट्रिक इशू में ये नहीं बताता है मैचिंग डुप्लीकेट। अगर आपका पहले का बायोमेट्रिक और आपका बायोमेट्रिक एकदम मैच कर जाएगा तो ये वाला मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, यानी ये कह रहा है कि भैया आप आधार हमसे बनवा चुके हो एक बार और आपके फिंगर और आयरिस से रिलेटेड हमारे पास पहले से ही आधार बना हुआ है और नया आधार नहीं जारी किया जा सकता। लेकिन जो बायोमेट्रिक इशू था उसमें 100% आपका वहां से मैच नहीं हो पा रहा है, कुछ मैच हो रहा है तो वो बायोमेट्रिक इशू में रिजेक्ट हो रहा है, वो एक बड़ा मिस्टेक है। लेकिन इस केस में आपको पक्का पता है हमारा आधार पहले से बना हुआ है और वो जनरेटेड है, बस वो आधार किसी तरीके से हमें निकाल लेना है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है गाइस, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप 1947 पे कॉल कर सकते हैं और वहां से अपना पूरा डिटेल बता सकते हैं, नए वाले इनरोलमेंट को, नए वाले डेट और टाइम को, और साथ में आप पूरा नाम पता और जन्म तिथि जो पुराने वाले आधार नंबर में आपने दिया था वो आपको बताना होगा, जब आपने पहली बार बनवाया था आपके एरिया का पिन कोड आपको बताना पड़ेगा। अगर सारी बातें आप सही सही बता ले जाते हैं
तो वहां से आपको पुराने वाले आधार का इनरोलमेंट आईडी, डेट एंड टाइम बता दिया जाएगा। फिर उस इनरोलमेंट डेट एंड टाइम और को लेकर के आप आईवीआर पे 1947 पे कॉल करेंगे। 1947 पे जब आप कॉल करेंगे तो आईवीआर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और वहां पे अपने इन्हीं 28 डिजिट के या 14 डिजिट के जो आपसे बोला जाएगा वो इनरोलमेंट आईडी, इनरोलमेंट नंबर आप डालेंगे। फिर उधर से आपको आधार नंबर आईवीआर के द्वारा ही बता दिया जाएगा और फिर आप उस आधार को लेकर के किसी यूसीएल सेंटर पे जाकर के अपना फिंगर लगा करके अपना आधार प्राप्त कर सकते हैं या उसमें मोबाइल नंबर लिंक करवा करके फिर बाद में आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपका मैचिंग डुप्लीकेट है तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हो सकता है और आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, तो कॉन्टैक्ट हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन गाइस प्लीज़, अगर हम आपको रिप्लाई ना कर पाएँ तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हमारे ऊपर होता है। बहुत सारे लोग, आप सब लोग यही चाहते हैं कि सर हमारा करवा देंगे। गाइस हमारे पास कोई इस प्रकार का पावर नहीं कि UIDAI का कोई मेरे पास आईडी पासवर्ड या सर्वर है जिसको मैं एक्सेस करके डिटेल निकाल के दे दूंगा। बस मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि आपको करना क्या है और वो मैं वीडियो में ही कर रहा हूं और सारी बातें मैं यहां पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे बता ही देता हूं। तो गाइस, अगर आपका डुप्लीकेट है तो आप इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करेंगे जैसा मैंने आपको बताया और आपको आपका आधार नंबर मिल जाएगा। अब आगे देख लेते हैं और कौन सा केस आता है रिजेक्शन में। गाइस यहां पे दूसरा मैंने डेटा कॉपी कर लिया है और इसको यहां पे ला करके हम पेस्ट करते हैं और फिर यहां से सबमिट करते हैं और गाइस यहां पे देखते हैं क्या एरर बता रहा है। सिंपल बता रहा है, वेयर अनेबल टू वैलिडेट द बायोमेट्रिक डेटा ऑफ द ऑपरेटर। गाइस इसका मतलब यह है कि आपके साइड से कोई कमी नहीं था, ना तो आपके डॉक्यूमेंट में कमी था, ना ही आपके बायोमेट्रिक डिटेल कैप्चर करने में कोई दिक्कत था। दिक्कत हुआ है ऑपरेटर के साइड से, यानी कि ऑपरेटर का जो ऑपरेटर ने फिंगर अपना लगाया, वैलिडेट किया आपको कि उन्होंने आपका एनरोलमेंट किया, उनका जो फिंगर था वो मैच नहीं हो पाया, इस कारण से आपका डेटा, आपका इनरोलमेंट रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि UIDAI को ऐसा लगा कि किसी और बंदे ने ये इनरोलमेंट कर दिया, ऑपरेटर ने नहीं किया, ऑपरेटर का फिंगर मैच नहीं किया जब सर्वर के साथ इसे मैच करवाया गया। तो इस केस में भी रिजेक्ट कर दिया गया डेटा को, क्योंकि ये इनवैलिड पर्सन के द्वारा इनरोलमेंट किया गया, ऐसा UIDAI को लगा और ये डेटा रिजेक्ट कर दिया गया। यानी सिंपल, बायोमेट्रिक ऑफ ऑपरेटर डिड नॉट मैच, मतलब ऑपरेटर का बायोमेट्रिक डिटेल मैच नहीं हो पाया, इस वजह से आपका डाटा रिजेक्ट किया गया। तो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपल, दोबारा से किसी ऑथराइज्ड इनरोलमेंट सेंटर पे जाना है। आप UIDAI के वेबसाइट पर देख सकते हैं, लोकेट आधार सेंटर पे ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से कौन कौन से इनरोलमेंट के सेंटर हैं वहां पे जाकर के आप नया इनरोलमेंट अपना करवा सकते हैं और दोबारा से आपका 2 या 3 दिन में जनरेट हो जाएगा और आपको आपका आधार मिल जाएगा। फिर गाइस हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा वाला फिर कॉपी कर लेते हैं, रिजेक्शन का रीजन क्या है इसमें। फिर से हम इसमें कैप्चा कोड डालते हैं और सबमिट करते हैं। तो गाइस इसमें देखेंगे यहां पे सिंपल लिखा हुआ है, योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू डाटा प्रोसेस एरर। इफ यू डू नॉट हैव ऑलरेडी एन आधार नंबर फ्रॉम एनी प्रियर इनरोलमेंट, यानी आपको सिंपल बताया जा रहा है कि ये डाटा प्रोसेस में एरर हो गया है, टेक्निकल एरर हो गया है। ये डाटा प्रोसेस वाला एरर जो होता है गाइस, इसमें भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इसमें भी आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती है, यह भी एक टेक्निकल एरर है और यहाँ पे आप दोबारा से री इनरोलमेंट करवा सकते हैं कहीं पे किसी ऑथराइज्ड सेंटर पे। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके बायोमेट्रिक में या आपके डेटा में या आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, आपको ये टेक्निकली आपका डेटा रिजेक्ट हो गया है, ये डाटा प्रोसेस में एरर है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से इनरोलमेंट कराएं हो जाएगा। बस आपको प्रॉब्लम एक ये छोटी सी होगी कि जो फीस आपने एक बार पे कर दिया वो ना तो ऑपरेटर वापस करेंगे, ना तो संभवतः UIDAI भी उसे वापस नहीं करेगी, तो आपको दोबारा से इनरोलमेंट कराना होगा और आपको दोबारा से फी पे करना होगा अगर आपने अपडेट करवाया तो। लेकिन गाइस अगर आपको नया एनरोलमेंट कराना है तो नया एनरोलमेंट तो UIDAI की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, दोबारा से करा लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। बस आपको परेशान होना पड़ेगा क्योंकि एक बार आप आधार बनवाने गए थे और दोबारा से आपको जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा आधार सेंटर तक। तो गाइस ये था डेटा प्रोसेस एरर में, डाटा प्रोसेस एरर में आपको कोई टेंशन नहीं, बस दोबारा से आपको इनरोलमेंट कराना है, अपडेट कराना है। अपडेट के केस में अगर डाटा प्रोसेस एरर आता है गाइस तो आपका फी दोबारा से आपको पे करना पड़ेगा, ये कोई किसी तरह से रिफंडेबल नहीं होता है। अब गाइस बात कर लेते हैं और दोबारा से सबमिट करेंगे। गाइस यहां पे हमें देखने को मिल जा रहा है, योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड,
ड्यू टू इनकरेक्ट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। यानी गाइस सिंपल इसका मतलब है कि आपने एड्रेस बदलवाया था और आपने जो एड्रेस का डॉक्यूमेंट दिया था ना वो इनकरेक्ट था, वो गलत था, वो सही डॉक्यूमेंट नहीं था और उसको ऑपरेटर ने अप्रूव करके आपका आधार सही तो कर दिया लेकिन जब ऊपर गया सर्वर में या वहाँ पे जो लोग बैठे हैं ऊपर के अधिकारी उन्होंने जब इसे वेरीफाई किया तो उनको आपका जो डॉक्यूमेंट आपने दिया था एड्रेस चेंज करने के लिए वो इनवैलिड लगा, वो सही डॉक्यूमेंट नहीं था, इस वजह से आपका आधार रिजेक्ट कर दिया गया। कई बार डुप्लीकेट पेपर लगा करके लोग आधार कार्ड चेंज करवाने लगते हैं तो इस सबका वेरीफिकेशन होता है। तो आप प्लीज़ इस तरह के फर्जीवाड़े में ना फंसें और ना इस तरह का फर्जी पेपर लेकर के यूज़ करें। आप ओरिजिनल जेन्युइन डॉक्यूमेंट अपना लेकर के जाएं और उसे अपडेट करवाएं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अपना एड्रेस चेंज करवाने के लिए, नेम चेंज करवाने के लिए, कुछ भी अपडेट करवाने के लिए, नया आधार बनवाने के लिए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। UIDAI का एक फॉर्मेट आता है जिसे UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट कहा जाता है, उसे आप यूज कर सकते हैं। उस पर मुहर स्टैंप अपने ग्राम के प्रधान का या जहां पे भी हैं आप किसी गजेट ऑफिसर का वहां पे कई ऑप्शन होते हैं उसको लगा करके भी बनवा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मेरा एक पर्सनल इसका स्पेशल वीडियो है कि UIDAI के फॉर्म को कैसे भरें, कैसे बनवाएं कि रिजेक्ट ना हो, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूं। वो भी वीडियो आप चाहें तो देख करके कंप्लीट गाइड ले सकते हैं वहां से और समझ सकते हैं कि हमें अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम कैसे अपना आधार कार्ड अपडेट करवाएं। तो गाइस सिंपल इसका मतलब है कि आपका आधार इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि आपका पेपर सही नहीं था, आपका डॉक्यूमेंट इनवैलिड था। तो आप वैलिड डॉक्यूमेंट लगा करके दोबारा से एनरोलमेंट करवाएं, आपका एनरोलमेंट जरूर सक्सेस होगा और विद इन 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये जनरेट हो जाता है। हालांकि रसीद पे 90 दिन का प्रोसेसिंग लिखा होता है फिर भी 3-4 दिन के अंदर हर हाल में जनरेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिन लग गया तो 7-8 दिन या 1 हफ्ते 10 दिन ऐसे लग जाता है, उससे ज़्यादा दिन नहीं लगता है आधार को जनरेट होने में। तो गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिया और इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं और फिर से, तो गाइस यहाँ पे हमने कैप्चा कोड डाल लिया और इसको सबमिट कर रहे हैं और यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है वी आर एक्सपीरियंसिंग अ डिले इन प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट एज एंड व्हेन द इशू इज रिजॉल्व्ड एंड रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड वी विल कम्युनिकेट द प्रोग्रेस। ये एक इस प्रकार का मैसेज आ रहा है आपको कि अभी ये डिले हो रहा है इस एनरोलमेंट के डिटेल को निकालने में और आप थोड़ी देर बाद यहाँ पे चेक कर लें। गाइज वैसे यहाँ पे जो इसका एरर है वो कुछ और है लेकिन यहाँ पे अभी ये इन्फॉर्मेशन निकल नहीं पा रहा है सर्वर से, इस वजह से ये मैसेज आ गया है कि वी आर एक्सपीरियंसिंग डिले इन प्रोसेसिंग, मतलब अभी इस एनरोलमेंट आईडी का डिटेल मिल नहीं पा रहा है इस वजह से डिले हो रहा है। गाइज इसको चेक करेंगे तो इसमें ऐसा भी बता सकता है इनकरेक्ट रिलेशनशिप का भी मैसेज आ सकता है, इनकरेक्ट HOF का भी रिलेशनशिप आ सकता है क्योंकि कभी कभी आप HOF बेस पे आधार बनवाने जाते हैं कि यानी बच्चे का आधार बनवाया, माता पिता ने फिंगर लगाया तो और जो डॉक्यूमेंट आपने दिया उसमें जो रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट आपने दिया वो गलत था, उसमें मैच नहीं कर रहा है तो इनकरेक्ट रिलेशनशिप में वो डेटा वो पैकेट रिजेक्ट हो जाता है, आधार वो नहीं बन पाता है। और कभी कभी आप अपना नाम सही करा रहे हो, नाम का जो आपने डॉक्यूमेंट दिया वो इनवैलिड था तो उसमें आ जाएगा योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनकरेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ, ये मैसेज आपको मिल जाएगा। तो ये सबका मतलब सिंपल है कि आपको अपना सही आइडेंटिटी प्रूफ ले जाकर के नाम आपको चेंज करवाना है या रिजेक्ट हो गया तो जो आइडेंटिटी प्रूफ में आपने डॉक्यूमेंट दिया था वो गलत हो गया है, वो गलत था, वो इनवैलिड था तो भी आपका डाटा रिजेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे अपने अनुभव के आधार पर ये पूरा वीडियो में आपको सारा कुछ डिस्क्राइब किया हूँ, सारा कुछ एक्सप्लेनेशन किया हूँ। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, हम एक अपना और टेक सपोर्ट चैनल बनाए हुए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ उसे भी फॉलो करें। अभी उस पर वीडियोज़ मैं जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करूँगा जहाँ पर आपको यूट्यूब वीडियो कैसे बनाएं, कौन सा माइक यूज़ करें, कैसे अपना लाइफ यूट्यूब पे बनाएं, कैसे अपना करियर यूट्यूब पे बनाएं, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो आते रहेंगे। अभी मैं वो चैनल शुरू कर रहा हूँ तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।